हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और मैं आज एक बहुत ही बड़ी सूचना लेकर आया हूँ, जेएससी सीजीएल यानी कि रिवाइज्ड कैलेंडर के बारे में। सभी एग्ज़ाम्स का अपडेट और रिजल्ट डेट, यानी कि कब रिजल्ट आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, सारे यानी कि संपूर्ण एग्ज़ाम की जानकारी आज हम लोग जानने वाले हैं। जैसे JSC CGL 12 लेवल का जो LDC का एग्ज़ाम होना है, इसका झारखंड पुलिस 10th लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सारे एग्ज़ाम्स का आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। रिवाइज्ड कैलेंडर का तो पता नहीं, और JSC CGL का भी इसमें दिया है, क्या सच में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये सारी बात आज हम लोग जानने वाले हैं। रिवाइज्ड कैलेंडर पिछले कुछ महीना पहले ही यह रिवाइज्ड हुआ था कैलेंडर, ठीक है, फिर से अब रिवाइज्ड कैलेंडर आए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस कैलेंडर में कौन से एग्ज़ाम्स की कब होगी एग्ज़ाम और इसका डेट कब होगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आगामी परीक्षा संशोधित कैलेंडर वर्ष 2024, यानी कि सबसे पहले नगरपालिका का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, नगरपालिका का जो एग्ज़ाम हुआ है इसका परीक्षा संपन्न हो गया है। और ये देखिए, अगस्त का द्वितीय सप्ताह, ठीक है, अगस्त का द्वितीय सप्ताह में इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट कब आने वाला है, तो सेकेंड अगस्त का, यही सेकेंड वीक में। चलते हैं नेक्स्ट, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था परीक्षा संपन्न हो गई है। अब ये देखिए, अगस्त का अंतिम सप्ताह में इसका परीक्षा फल आने वाला है, यानी कि अगस्त का लास्ट वीक में। यहीं चलते हैं, सहायक आचार्य का भी एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, परीक्षा संपन्न हो गई है। जो कोर्ट में केस दायर हुआ है वो अगर क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की ओर चलते हैं, ये भी है ना, प्रशिक्षित सहायक आचार्य, एक है इंटरमीडिएट स्तर, एक ग्रेजुएशन 1 to 5, 6 to 8, ठीक है। नेक्स्ट दोनों का सेम ही है कि भाई दायर हुआ है केस, तो कोर्ट जब देगा कि भाई रिजल्ट निकालना चाहिए, तो रिजल्ट निकालेगी। अब देखिए, लेडी सुपरवाइज़र, महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता, यानी कि जो भी लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होना था वो एग्ज़ाम कब होगा, तो अगस्त का अंतिम सप्ताह, यानी कि अगस्त का लास्ट वीक तक जो है एग्ज़ाम होने की संभावना है। और इसका परीक्षा फल यानी कि अक्टूबर का द्वितीय सप्ताह के बीच में इसका रिजल्ट आने की संभावना है। देखिए, यहाँ जो है सरकार की क्या मंशा है, अब वही जाने, लेकिन अगर एग्ज़ाम दुर्भाग्यवश नहीं हुआ तो ये सरकार भी नहीं आने वाली है। लेकिन ऐसा कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि वह वाहवाही न लूटे, ठीक है। और मतलब कि पूरा चांस है कि एग्ज़ाम्स और सारे चीज़ लेंगे, ठीक है, सारे का एग्ज़ाम अब अच्छे तरीक़ों से होगा, है ना। अब चलिए, मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जितने भी हैं, सितंबर का प्रथम सप्ताह में जो है इसका परीक्षा होने की संभावित तिथि यहाँ जाहिर की गई है। नेक्स्ट, परीक्षा जो है, परीक्षा फल यानी रिजल्ट आने की तिथि अक्टूबर का द्वितीय सप्ताह। भाई पहले एग्ज़ाम्स हो जाए अच्छे से, ठीक है, अच्छे एजेंसी ले, कोई भी हो, अच्छे एजेंसी ले, स्वच्छता और ईमानदारी पूर्वक हो, वो पहले बहुत ही बेहतर होता है, देन उसके बाद रिजल्ट, ठीक है, पहले एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। क्योंकि इसमें वो लड़के धोखा खाते हैं जो मेहनत करके पूरी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करके वो न ला पाते हैं,
ठीक है, तो उनका नुकसान होता है। अब चलते हैं मेन मुद्दा, यानी कि झारखंड के सभी स्टूडेंट्स इसी परीक्षा को लेकर जो हैं लगे हुए हैं, और इसका भी जो है जो डेट बढ़ा दिया गया है, मैंने पिछले वीडियो में भी बनाया था, परंतु बहुत सारे स्टूडेंट ये बताए थे कि सर अगस्त में ही होगा एग्ज़ाम, अब सितंबर क्यों बता रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो पहले से ही पता थी कि अगस्त में नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ देखिए JSSCGL का जो है नए एजेंसी का चुनाव हुआ है। ठीक है, नए एजेंसी का चुनाव हुआ है, और नए एजेंसी का जब चुनाव हुआ है, ठीक है, तो यहाँ जो है समय लेगा ही लेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोई आंदोलन भी नहीं कर सकते कि भाई जल्दी एग्ज़ाम ले लो, एग्ज़ाम ले लो, क्योंकि देखिए अगर आप जल्दबाजी करते हैं ना तो उसमें भी दिक्कतें होती हैं। जल्दबाजी करते हैं तो क्या होता है, जल्दबाजी करेंगे तो फिर वैसे ही गड़बड़ होगा, जैसे पिछले बार हुआ 2015 से जैसे चलते आ रहा है, इन द सेम वे वही हाल होगा। ठीक है, नए एजेंसी का चुनाव हुआ है, देन आपको 10 से 15 दिन यही टाइम लेगा, और भी जो व्यवस्था कंडक्ट करने की जो होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 6.39 लाख स्टूडेंट हैं, तो सोचिए इतना का व्यवस्था करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एग्ज़ाम तो होगा, कंफर्म है कि एग्ज़ाम होगा। अगर एग्ज़ाम नहीं होता है, दुर्भाग्यवश, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दुर्भाग्यवश अगर एग्ज़ाम नहीं होता है, तो सरकार का इसका है ना भुगतना पड़ेगा इसका फल। लेकिन सरकार, कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारे। ठीक है, तो एग्ज़ाम वो लेगा और परीक्षा फल भी आएंगे, यानी कि अक्टूबर का अंतिम सप्ताह के बीच। अब चलिए, जो भी पैरामेडिकल संयुक्त परीक्षा जो CBT मोड में हुआ था, होने वाला है, सॉरी क्षमा चाहूँगा इसके लिए, तो CBT मोड में होने वाला है, इसका जो है अक्टूबर का प्रथम सप्ताह में इसका एग्ज़ाम होगा, और नवंबर का अंतिम सप्ताह में इसका परीक्षाफल आने की संभावित तिथि है। चलते हैं, स्नातक टेक्निकल वाला जो है CBT मोड में लिया जाएगा अक्टूबर का अंतिम सप्ताह में, और इसका रिजल्ट जो आएगा दिसंबर का द्वितीय सप्ताह के बीच में आएगा। अब यहाँ देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा और आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा जो है, उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस दोनों OMR बेस्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं, और इसका शारीरिक दक्षता के लिए भी जो है आपका दौड़ के लिए 20 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप अच्छे से दौड़ें, है ना। कभी भी मैं बताता हूँ, दौड़ के लिए आप स्पीड ना करें, दौड़ को हमेशा रिलैक्स, यानी कि ज़्यादा भी रिलैक्स ना हो और बॉडी को ज़्यादा स्पीड भी नहीं करना है, नॉर्मल स्पीड में चलना है। आप एक घंटे में 10 किलोमीटर आराम से चल लेंगे, हताश होकर स्पीड नहीं भागना है, नहीं तो आप एक राउंड भी नहीं लगा पाएंगे, आपका पेट दर्द करने लगेगा। ठीक है, नॉर्मल तरीके से दौड़ना है, आराम से दौड़ पाइएगा, क्योंकि जब बॉडी गर्म हो जाता है थोड़ा स्पीड भी बढ़ाइएगा तो आपका नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल स्पीड 1 से आप जो है 7 राउंड तक, एकदम 8 राउंड तक जो है नॉर्मल स्पीड, और फिर अपने आप स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, तो दौड़ के लिए मैं बता दूं कि दौड़ के लिए यही एक मंत्र है कि ज़्यादा स्पीड ना दौड़ें। ठीक है, ज़्यादा स्पीड ना दौड़ें, बॉडी को नॉर्मल और अच्छे तरीके से दौड़ें रख कर, है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ झारखंड इंटरमीडिएट है ना, झारखंड इंटरमीडिएट स्तर यानी कि LDC के लिए, यहाँ LDC के लिए बात करूँ तो इसका जो एग्ज़ाम होगा नवंबर का तृतीय सप्ताह के लगभग होगा, और ये तृतीय सप्ताह ही नहीं बल्कि ये दिसंबर भी जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो अभी 10th लेवल पर आया हुआ था, ठीक है, ये भी OMR बेस्ट होगा एग्ज़ाम, नवंबर का इसका भी जो है अंतिम सप्ताह में इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस है। आंसू लिपिक का बात करूं तो ये अगस्त जो है इसका
प्रकाशन हुआ था और यहाँ जो भी है लिखित परीक्षा ली जाएगी। ये जांच परीक्षण जो है अक्टूबर 2024 में होने वाले हैं। तो ये हुआ आपका जो टोटल कैलेंडर यानी कि रिवाइज्ड कैलेंडर। देखिए अब मैं बात करना चाहता हूँ जेएसएस सीजीएल पे कि ये जो जेएसएस सीजीएल है ये सिर्फ लॉलीपॉप है या सच में एग्ज़ाम होगी? तो देखिए मैं बात बता दूं कि एग्ज़ाम होगा, है ना, एग्ज़ाम होगा और अपना तैयारी को छोड़ना नहीं है, ठीक है, यही ड्रॉप आउट नहीं करना है, तैयारी को एकदम अच्छे तरीकों से जिस प्रकार से अभी तक आप पढ़ते आए हैं बस 1.5 से 2 महीना और पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम होगा। क्योंकि कोई भी चाहता है भाई कि अपना सत्ता रहे और अपना सत्ता रहने के लिए वाहवाही लूटेगा ही, तो इतना तो कंफर्म हो जाइए कि एग्ज़ाम पक्का होगा। और भाई तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये एग्ज़ाम जो है रिवाइज्ड कैलेंडर बार बार क्यों आ रहा है? तो देखिए न्यू एजेंसी का चयन हुआ है जेएसएस सीजीएल के लिए, ठीक है, न्यू एजेंसी का जो है यहाँ चयन हुआ है जेएसएस सीजीएल के लिए। तो सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने हेतु आपको यहाँ जो है ना कंडक्ट करने हेतु आपका 10 से 15 दिन समय ले ही लेगा, ठीक है, कोई भी एजेंसी। अगर आप चाहते हैं कि एजेंसी आराम से ले, अच्छे से ले, स्वच्छतापूर्वक ले, ईमानदारी से ले, ठीक है, तो इतना दिन आपको समय लेगा ही लेगा। तो यहाँ जो है 1.5 महीना का जो है यानी कि 1.5 मंथ का ये जो समय लिया है जे सीजील के लिए आप जमकर तैयारी करें, ठीक है, मन में कोई भी डाउट ना रखें कि आपके मन में चल रहा होगा कि फिर से पता नहीं एग्ज़ाम लेगा कि नहीं लेगा, एकदम कंफर्म लेगा, ठीक है, कंफर्म, और आप अच्छे से तैयारी करें, बस यही है। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे करते रहिए, ठीक है। तो बस ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है, तो बात बता दूँ कि जेएसएस सीजीएल का जो है जेएसएस सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। एलडीसी के बारे में बात बता दूँ, एलडीसी दोनों का जो है कॉम्बो कोर्स 799 में 80 क्लासेस ऐप पे दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो है अभी ऑफर फी 699 है। अगर बात करें जे सीजीएल का पेपर 2, ठीक है, नागपुरी, खोरठा और हिंदी, तीनों पेपर अवेलेबल है, एकदम हैंड रिटेन नोट्स है, ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स है, ओनली 399 में, AD क्लासेस ऐप पे। अगर इसका PDF चाहिए तो AD झारखंड क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जुड़ें, ठीक है। AD क्लासेस ऐप पे नागपुरी का 10K यानी कि 10,000 MCQ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। झारखंड जीके का 10K MCQ टेस्ट अवेलेबल है। कंप्यूटर का 125 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है AD क्लासेस ऐप पे, सारे टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है 10,000 MCQ टेस्ट ये PDF टेस्ट है, ठीक है, ओनली 399 का जो ये फी है, परंतु इसे 199 में PDF टेस्ट दिया जा रहा है। नागपुरी के लिए जो है CBT मोड टेस्ट है, मोड टाइप टेस्ट, ठीक है, ये आपको जो है कितना में दिया जा रहा है, 149 में, पूरा सिलेबस कवर है, ठीक है, पूरा सिलेबस का जो क्वेश्चंस होता है ना, सार होता है, वो दे दिया गया है, तो आप इसे ज्वाइन करें, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप AD क्लासेस ऐप से जुड़ सकते हैं।
ठीक है, एलडीसी के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ नागपुरी, हिंदी, खोरठा तीनों का जो है 399 में अवेलेबल है एडी क्लासेस ऐप पे। ठीक है, सारे हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे, एकदम विस्तृत ढंग से आपको यहाँ पढ़ने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन करें एडी क्लासेस ऐप और एडी झारखंड क्लासेस। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इसी प्रकार के अपडेट और ये पाने के लिए आप एडी झारखंड क्लासेस को सपोर्ट करें। ठीक है, और यहाँ देखिए आंदोलन नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट का जो है मन में ये भाव चल रहा होगा कि आंदोलन करने से एग्ज़ाम जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है आंदोलन करना अभी अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हड़बड़ का काम हमेशा गड़बड़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करना है। एग्ज़ाम पक्का होगा, आप टेंशन ना लें, एग्ज़ाम होगा तो होगा अगस्त का तृतीय वीक में। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है यहाँ जैसे सीजिल का सितंबर का अंतिम सप्ताह में ये ज़रूर ही होगा। ठीक है, देन एडी क्लासेस से जुड़े। धन्यवाद।